खबर है झालावाड़ से, जहां आबकारी विभाग और शराब माफिया की मिलीभगत से करोड़ों के घोटाले का मामला सामने आया है। आप जानिए कि मामले की खास बात ये कि यहां 12 से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें गरीब व्यक्तियों के नाम से शराब की दुकानों का आवंटन हो गया है। उनको पता भी नहीं चला, उन लोगों के घरों में उसे वक्त मातम पसर गया जब आबकारी विभाग की तरफ से उनको करोड़ों रुपए का रिकवरी नोटिस जारी किया गया। मामला है झालावाड़ के अकलेरा क्षेत्र का। शराब माफिया ने कुछ गरीब लोगों के दस्तावेज कोई दूसरा कारण बताकर ले गए और उसके बाद उनके नाम से दुकानों का आवंटन करा लिया। मामले में खास बात यह भी है कि कोई भी व्यक्ति ना तो आबकारी विभाग में गया है और ना ही उन्हें उसने कहीं हस्ताक्षर किए हैं, फिर भी उनके नाम से दुकानों का आवंटन हो गया। दुकानें भी धड़ल्ले से चल रही है। पूरे मामले में लगभग 6 पीड़ित झालावाड़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, उन्होंने शिकायत पत्र सौंपकर जांच करवाने की मांग की है। झालावाड़ जिले में आबकारी विभाग का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसको देखकर हर किसी ने दांतों तले उंगली दबा ली है, हर कोई अचंभित है। आबकारी विभाग ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसके अनुसार ऐसे लोग जिनके घरों में खाने को भी दाने नहीं है उनको करोड़ों के नोटिस आ गए हैं। पूरा कारनामा आबकारी विभाग का है। पूरी तरह से जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे रहे और बड़े बड़े घोटाले हो गए, अब गरीबों को नोटिस आ रहे हैं। संपूर्ण झालावाड़ जिले में एक दर्जन से अधिक ऐसे मामले हैं जिनमें करोड़ों रुपए के नोटिस उन लोगों को दे दिए गए हैं जिनको यही नहीं पता कि उनके नाम से कोई आबकारी की दुकान भी चल रही है। उनके किसी परिचित द्वारा या आबकारी के किसी दलाल द्वारा उनके कागज मांग लिए गए और उनको आधार बनाकर दुकानों का आवंटन करवा लिया गया। अब उन लोगों से करोड़ों रुपए की वसूली की कार्यवाही किए जाने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो पुलिस अधीक्षक के सामने गुहार लगाने आए हैं, उनसे बात करने, उनको पूरे मामले से अवगत कराने, उनको शिकायत सौंपने आए हैं कि मामले में कार्रवाई की जाए। कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम कमलेश है। कमलेश जी, क्या हुआ है, क्यों आए हुए हैं? सर मैं क्या है कि रोटी बनाने गया था उनके यहाँ पे, खाना बनाने के। नेमीचंद जी का ठेका है। कौन नेमीचंद? नेमीचंद मीणा जो विधायक का चुनाव लड़े, ये अभी जो कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, तो उनके यहाँ पर एक मुनिम था बीरमचंद लोधा, उसके पिता का नाम है रोडूलाल लोधा और वो ग्राम घड़ावली का रहने वाला है, तहसील मनोर थाना उसकी। उसने मुझसे, आप वो खाना बनाते थे? मैं खाना, क्या हुआ फिर, क्या हुआ? मैं जैसे ही वहाँ खाना बनाने जाता था तो उसने कहा कि बेटा तुझसे एक बात बोलू, तू अगर माने तो। मैंने कि मानूंगा, कोई लाभकारी हो तो, कि तुझे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, तेरे डॉक्यूमेंट दे दे। मैंने उसको डॉक्यूमेंट दे दिए कि मैंने कि कौन सी सरकारी योजना के, तू विकलांग है तो तुझे जैसे ही किराने की दुकान है तो इसमें जैसे ही लोन मिल जाएगी तो सरकार की तरफ से तुझे छूट मिलेगी। डॉक्यूमेंट किसको दिए थे आपने? बीरमचंद रोडूलाल को। फिर क्या हुआ? फिर उसने इन लोगों के साथ में मिलकर रामलाल नेमीचंद पुत्र रामलाल और बाबूलाल रामस्वरूप पुत्र बाबूलाल रामस्वरूप जी और अमोलक और कजोड़ी लाल जी बाल किशन जी, इनके साथ में मिलकर इन्होंने दारा सिंह जी और इन सभी लोगों के साथ में मिलकर मेरे नाम से यहाँ पे आबकारी विभाग से इन दुकानें उठा ली इन लोगों ने। अब क्या हुआ है? अब क्या है कि मुझे कैसे, कोई पता नहीं है, मैं पढ़ाई करता हूँ और जैसे ये नोटिस, मैं कोटा रहता हूँ। आपके घर पे नोटिस आया? हाँ। कितने का नोटिस है? एक तो 98,97,295 रुपए का है और दूसरा 58,80,962 रुपए का। ये अकलेरा क्षेत्र का रहने वाला कमलेश है, इसका कहना ये है कि ये कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे विधानसभा चुनाव में, नेमीचंद मीणा, उनके यहाँ खाना बनाने का काम करता था, वहाँ पर इसको किसी परिचित व्यक्ति ने इससे कागजात लिए और कहा कि मैं तुम्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाऊंगा, इसने उसको कागज दे दिए। लेकिन अब इसको बाद में पता लगा, जब इसके घर पे आबकारी का नोटिस आया तो पता लगा कि जिस व्यक्ति को इसने कागज दिए थे उन कुछ लोगों ने, एक गिरोह है इस तरह काम करने वाला, उसने इनके नाम से आबकारी की दो दुकानें आवंटित करा ली और अब लगभग 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी इनके ऊपर निकाली गई है। ऐसे कुछ और लोग मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कासम का। कासम जी, कैसे आए हो यहाँ पर, क्या हुआ है? मतलब नजाम ने दारू का ठेका मुका कर लगा दिया। नजाम कौन है? ये नजाम मारा साल है कलमोदिया। क्या हुआ, अब क्या हुआ है? अच्छी हुई, उन्हें यूँ किए गए कागज दे दे, अरे मोदी करीब हमने बुला जा कागज बनवा, तो मैंने कागज दे दिया। और उनके जो दुकान लगाई थी सर, जो उन्होंने बोला कि मेरी दुकान का जो लोन ले रहा हूँ ना, तो उनके पैसे निकाल के मुझे दे देना, उन्होंने चोराया भी दुकान लगाई। अब ये उनका साला, मेरा मामा है वो,
तो हमने सोचा मैंने कि भाई आपने घर का मामा तो एक कौन सी दूसरी जगह लगाया तो काम कर रहा तो कर ले तो अब हमें थोड़ी पता कि ये दारू का ठेका उठा लेगा वहां जाके। अब एक में इकलेराम चल रहा बस स्टैंड पर, एक और चल रहा सर अभी नेमी चंदोर के नाम से ठेका चल रहा है सर। और ये हमारे साथ उसी क्षेत्र के रहने वाले कासिम जी, इनका कहना ये है कि इनका साला यहाँ पर आया और उसने इनको यही कहकर कि मैं तुम्हें सरकारी नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ दिलाऊंगा, एक एक इनसे कागज दिए। अब इनको भी पता लगा है कि इनके नाम पे शराब की दुकानें आवंटित हो गई और ये भी उसी गिरोह का नाम बता रहे हैं। इनका भी कहना है कि नेमीचंद मीणा और उनके कुछ साथियों द्वारा इस तरीके से दुकानों का आवंटन करवाया गया। अब इनको भी करोड़ों रुपए के नोटिस मिल रहे हैं, इन लोगों के पास खाने के दाने भी नहीं है, इनका ऐसा कहना है। ऐसे में ये पैसे कैसे चुकाएंगे? कुछ और लोग मौजूद हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? नंदा। क्या हुआ नंदा जी? कागज पाना ले गया। कौन ले गया? नजाम। फिर क्या हुआ? लोन मोहन का किया था। फिर अब क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सर आपकी दुकान का क्या मामला है? आपने आपकी नहीं है दुकान? नोटिस आया आपको? हाँ नोटिस आया। तो आपकी बिना मर्जी के आपको बिना बताए दुकानें लगा ली? एक नंदा जी हैं, बड़े ही बुजुर्ग आदमी, इनका भी कहना है कि वही निजाम जो इनके कागज लेकर गया था वो इनसे भी कागज ले गया और शराब की दुकानों को आवंटन करवा लिया। इनको किसी को भी पता नहीं है कि इनके नाम से दुकानें चल रही हैं। जब नोटिस आया तो इनको पता लगा। कुल मिलाकर कहानी साफ तौर पर सामने आती है जिसमें शराब माफिया और आबकारी विभाग की मिली भगत की बात प्रथम दृष्टा ही उजागर होती है। साफ तौर पर नजर आता है कि किसी माफिया द्वारा आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्योंकि शराब की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया काफी जटिल प्रक्रिया है और काफी लंबी कानूनी कार्रवाई से गुजर कर शराब की दुकानों का आवंटन होता है। ऐसे में इन लोगों के नामों से दुकानों का आवंटन हो गया और इनको पता ही नहीं था और अब इनके नाम नोटिस भी आए हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बड़ी मिली भगत का खेल है जिससे गरीब लोगों को चूना लगाया जा रहा है और इन्हें कार्रवाई का भागीदार बनाया जा रहा है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए झालावाड़ से रियाज खान।